उत्तर प्रदेश के अमेठी में शिक्षक और उनके परिवार के हत्या के मामले में सियासत भी पूरे तरीके से गर्मा गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अमेठी के सांसद केएल शर्मा रायबरेली पहुंचे और जहां पर मृतक शिक्षक के पिता से उनके द्वारा मुलाकात भी की गई। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मृतक के परिवार के सदस्यों से फोन पर भी बातचीत करवाई। आपको बताते चले कि अमेठी सांसद के एल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को कल इस घटना की जानकारी दी गई थी। राहुल गांधी जी ने मुझे परिवार के साथ रहने को कहा, मैं कल से लगातार परिवार के संपर्क में हूं और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने परिवार से फोन पर बातचीत किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नहीं, अभी क्योंकि राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए, तो मैंने कल से ही, मतलब जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के, इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया, तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मनाऊंगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर का निर्माण नवरात्र के पहले दिन से प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि बृहस्पतिवार को वैदिक आचार्यों ने शिखर की पहली शिला का विधि विधान पूर्वक पूजन किया और इस शिला से शिखर निर्माण का प्रारंभ किया गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि शिला पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्री राम नाम भी अंकित किया। राम मंदिर की ऊंचाई वैसे तो 161 फीट है, लेकिन इस पर 44 फीट ऊंचा धर्मा ध्वज भी लगाया जाएगा और साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बृहस्पतिवार को निर्माण कार्य में समीक्षा भी की। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। कल बैठक समीक्षा की थी और तीन दिन के कार्यक्रम में प्रतिदिन ही समीक्षा बैठक होती है। जो दो महत्वपूर्ण बातें आपकी जानकारी में रहनी चाहिए, बीते हुए कल में शिखर की शुरुआत कर दी गई है। आप जैसा जानते हैं वो एक तकनीकी चैलेंज है, जिसको कि यह निर्णय लिया गया है कि सारी एजेंसी जो जुड़ी हुई है, जैसे लार्सन टूब्रो, TCE, CBRI, सभी लोगों को मिला करके और हर लेयर पे हर एक की जांच आवश्यक होगी, इस प्रकार से यह निर्माण किया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अब जो छोटे छोटे निर्माण कार्य हैं, जी, जैसे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, फायर स्टेशन है, इस प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो पूर्ण हो गए हैं उनको अब किस्तों में ट्रस्ट को हैंडओवर करना शुरू किया जाएगा, जिससे कि उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की अब जिम्मेदारी ट्रस्ट की हो जाएगी। तो एक तरीके से यह भी उचित ही होगा कि ट्रस्ट को अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार से इन सभी जो मेंटेनेंस संबंधित निर्माण हैं उनको प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार कैसे वो कार्य पूर्ण अपना कार्य पूरा करें। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बाकी तो सभी निर्माण कार्य देखे गए हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि जो समय की एक तरीके से सारणी बनी थी, टाइम टेबल बना था, उसमें 2-3 महीने का विलंब हो रहा है। मेरा अनुमान है कि यदि कोई और विपरीत परिस्थितियां नहीं होती तो जुलाई 2025 तक
निर्माण पूरा होकर के 90% एजेंसी यहाँ से निकल जाए। कल बैठक खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि यह बहुत बड़ा सम्मान है कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को यह सम्मान दिया गया जिसमें कि बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। वर्षों से मांग की जा रही थी कि मराठी भाषा को यह सम्मान दिया जाना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, बहुत बड़ा सम्मान है मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज जिसे हम अभिजात भाषा का दर्जा बोलते हैं मराठी और बंगाली को दिया है, असामी को दिया है, पाली भाषा को दिया है, अर्धमागी प्राकृत भाषा को दिया है। ऐसे 5 भाषाओं का सम्मान करने वाला निर्णय कर केंद्र सरकार ने किया है। सालों साल से महाराष्ट्र से ये मांग उठती रही है कि मराठी भाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है, संतों की भाषा है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भाषा है, संविधान की भाषा है, महात्मा फुले की भाषा है मराठी, बालासाहेब ठाकरे जी की भाषा है। तो ये भाषा को आप सम्मान देना चाहिए, अभिजात भाषा का हमारी मांग रही। और लगभग राज्य की सभी पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने मांग अब तक 30-35 साल से ये मांग करते आए हैं। जब भी संसद का सत्र शुरू होता था तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हमेशा ये मुद्दा महाराष्ट्र के सांसदों की तरफ से उठता रहा है। शिवसेना भी उसमें शामिल रही और हम प्रधानमंत्री जी को हमेशा या गृहमंत्री जी को या कल्चरल मिनिस्टर को हमेशा इस बारे में हमारा डेलीगेशन मिलता रहा। तो ये अगर ये आज हुआ है तो ये सबका योगदान है, किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। वो तो लेगी भाई, बीजेपी तो कौन सा भी कैसा भी क्रेडिट ले सकती है। हाँ, कोरोना का भी क्रेडिट लेना चाहिए ना, तो लेना उनका ही क्रेडिट है, इतने लोग मरे इस देश में, महाराष्ट्र में। देखिए, बात मराठी भाषा की है, वैसी मराठी मानुष की प्रतिष्ठा की है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की मराठी भाषा और मराठी मानुष को सम्मान देने के लिए, ये मत भूलिए। अपने कागज पर किया है, बालासाहेब ठाकरे ने जमीन पर किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र से जो पूरे उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, रोजगार बाहर जा रहा है उसको रोकिए मराठी भाषा के साथ, इस राज्य की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। देखिए, बहुत खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा जो है मनसा देवी का दर्शन किया गया, जिसमें कि आपको बताते चले कि उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान के दिन मत करें और अपने भागीदारी जो है उसमें दर्ज कराएं। आपको बताते चले कि कल से जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए चुनाव होगा और जिसको लेकर लगातार जितनी भी चुनावी पार्टियां हैं वो पूरे रण में उतर चुकी हैं, कारों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए हम घर से निकल करके ज्यादा मतदान करें, ऐसा मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं। नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। कल शाम को 6 बजे प्रचार रुका है और कल 5 तारीख को वोटिंग है। मैं इस प्रदेश के अंदर लगातार हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व आया है, उन्होंने आकर के लोगों के बीच में इंटरेक्शन किया है। प्रदेश का आज एक पॉजिटिव माहौल पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा है। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके तत्वाधान में प्रदेश को तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हैं।
और लगातार जो प्रचार हुआ है, हमारा हर लोगों तक पहुंचना, उनसे मिलना, घर घर जाना, हमारा जो संकल्प पत्र है उसको घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना, हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लग करके कि पार्टी का, हमारी सरकार का विजन क्या रहने वाला है, उस विजन को प्रदेश के लोगों के सामने रखा है, प्रदेश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, हमें पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कछवा थाना क्षेत्र के कटका गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया और यह सड़क हादसा मजदूरों से भरे एक ट्रक को पीछे से ट्रक ने के द्वारा ही जो है वो टक्कर मार दी गई, जिसके द्वारा आपको बताते चले कि इस दर्दनाक हादसे में 10 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना पर मिर्जापुर एसपी अभिनंदन ने बताया कि रात करीब 1 बजे हमें मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड के पास एक्सीडेंट की सूचना मिली थी और जिसमें भदोही जिले से बनारस जा रहे 13 लोगों को लेकर आ रहे थे और जिसमें कि ट्रैक्टर को पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हमारी टीम मौके पर पहुंचे और जहां पर बचाव कार्य जारी कर दिया गया। हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया, उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लेबर का और आज रात्रि में ढलाई का काम करके वापस अपने गांव जो कि मिर्जा मुराद में पड़ता है बनारस में, वहां लौट रहे थे और ये सभी लोग वहीं मिर्जा मुराद के रहने वाले। दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर रतलाम रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार की रात पेट्रोल से भरी एक मालगाड़ी बेपटरी पर हो गई। आपको बताते चले कि पटरी से उतरने के बाद इस हादसे में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और एक डिब्बे से पेट्रोल का भी रिसाव होने लगा। आपको बताते चले कि वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का मानना है कि यह ट्रेन डिरेल करने की भी साजिश की जा सकती है, हो सकता है कि किसी साजिश का जो है नतीजा हो, जिसके वजह से जो रेल है वो पटरियों से उतर गए। मालगाड़ी पटरी से उतरने पर DRM रजनीश कुमार ने कहा कि ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और एक तो डिब्बे को उठा लिया गया है तो वहीं दूसरे में दिक्कत हो रही है, तो वहीं तीसरा डिब्बा जो है उस पर भी लगातार कार्य जारी है। ये तीन में जैसा आप देख रहे हैं 3 टैंक वैगन डिरेल हुए हैं, जिनमें से एक तो करीब करीब उठ गया है। जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको क्रेन लगानी पड़ेगी और तीसरा वाला भी माइनर है, वो हो जाएगा। बाकी हमारी ट्रेनों का मूवमेंट की जहाँ तक बात है, अब ट्रेनें बिल्कुल हमने चेक कर लिया, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अब ट्रेनें आप देख ही रहे हो सारी जा रही हैं और अप लाइन से ही हम डाउन ट्रेनें भी इसके बाद तुरंत थोड़ी देर में चलाने वाले हैं। एक वजह तो देखिए टीमें लगी हुई हैं, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुछ जो भी निकलेगा, वजह तो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। देखिए ट्रेनें जहां तक बात है तो दोनों ट्रेनें चलती रहेंगी, डिटेंशन जरूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रेनें हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिले जरूर होगा। ये उधर से राजकोट में कहीं से आ रही थी और हमारे भोपाल के पास बकनिया भौरिया वहाँ जा रही थी। पेट्रोलियम पदार्थ रिसाव वगैरह हुआ है? हाँ, पेट्रोलियम पदार्थ रिसाव हो रहा है, बट हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं। और आए दिन जो है घटनाएं सामने आ रही है, ट्रैक के ऊपर कोई सामान रखे, ट्रेन को डिलेयर करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का कुछ चीज अभी सामने आई है? नहीं, देखिए जांच टीमें जब देखती हैं तो सारे पहलुओं पर देखती हैं, तकनीकी पहलुओं पर भी देखती हैं और उस पर भी देखती हैं। अभी हमारा मुख्य जो फोकस है वो ट्रेनों के मिनिमम डिटेंशन पर है और इसको रिस्टोर करने पर है। पैरेलली इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स भी काम कर रही हैं,
पीछे आप देखें। नहीं, ट्रेनें अभी तो मेरे पास डाउन में खाली दो ट्रेनें हैं, एक रतलाम में खड़ी है, एक मुरवानी में खड़ी है। मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में एक एक करके दोनों ट्रेनें निकलने लगी। ये उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में डूबने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने बुजुर्ग की हत्या किए जाने की आशंका को व्यक्त किया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल जनपद कानपुर देहात के रूरा क्षेत्र के गेंदाबाऊ गांव के पास नहर में एक संदिग्ध परिस्थितियों में डूबकर गदनपुर के रहने वाले प्रेम शंकर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। परिजनों ने दो लोगों से विवाद होने के बाद बुजुर्ग की हत्या किए जाने की आशंका भी व्यक्त की है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली है, जहां से साक्ष्य एकत्रित कर वहीं दूसरी ओर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। ये थाना रूरा कानपुर देहात में एक गेंदाबाऊ पुल पड़ता है, जो जहाँ से एक बड़ी नहर गुजरती है, वहीं पर प्रेम शंकर, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, जो गदनपुर के रहने वाले हैं, इनका गेंदाबाऊ के दो लोगों से कुछ विवाद हुआ और कहासुनी के दौरान ही ये नहर में किस अवस्था में डूब गए अभी बहुत क्लियर नहीं है, और बाद में इनको वहीं नहर से रिकवर किया गया है। इन दो लोगों को जो प्रथम दृष्टया लोगों द्वारा पूछताछ से कहा गया है, जिनसे विवाद होने के बाद इनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही फॉरेंसिक टीम द्वारा सारे साक्ष्य वहां से एकत्र कर लिए गए हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। पीएम है तो डेड बॉडी को यहाँ से भेजा जा रहा है। अभी परिवारजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, जैसे तहरीर दी जाती है अभी वो पंजीकरण कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कल भोपाल में अतिथि शिक्षकों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, ये एक तरह से तानाशाही है और जिन अतिथि शिक्षकों के चुनाव से पहले नियमित करने के वादे शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, उसका अब पालन नहीं किया गया है। रात में लाइट बंद कर लाठियां बरसाने से क्या संदेश है, ये बर्बरता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। घोषणा पत्र में उनसे जो वार्ता हुई उसमें भी बात की, उसका भी आज तक पालन नहीं किया। फिर ये मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि इनको नियमित किया जाए वर्ग 1, 2 और 3, तो रात में लाइट बंद करके लाठियां बरसाना, ये मैसेज क्या है? मतलब शिक्षकों को जो भविष्य बनाता है देश का और प्रदेश का, जो शिक्षा जगत अपने परिवार की यातनाओं को आत्मसात करता है पर देश के लिए, प्रदेश के लिए, भावी भविष्य के लिए लड़ता रहता है, उसके साथ ऐसा लाठी चार्ज करना ये बर्बरता है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी बहनों के साथ अत्याचार इस सरकार के दौरान हो रहे हैं, रोज 18 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और इसका जब विरोध अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हमारा जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रदेश के मितेंद्र, उनके खिलाफ FIR हुई, ये मैसेज क्या है कि बहनों के बलात्कार होंगे और आम जनता आवाज नहीं उठा सकती है, इनके खिलाफ बात नहीं कर सकती है? अरे यही प्रदेश है जिसमें 1 साल की बच्ची से 15 साल की बच्ची के रेप में हम नंबर 1 आ गए। अरे ये माँ शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रा के दिन चल रहे हैं, ऐसे में अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाए, यूथ यहाँ का आवाज नहीं उठाए, यहाँ की जनता आवाज नहीं उठाए, तो फिर कौन उठाए? आपके कानों में तो जू रेंग नहीं रही है, आपका प्रशासन तो करप्शन की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में मितेंद्र पर FIR करना, यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष, इसकी मैं निंदा करता हूं और मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो विपक्ष का दायित्व है वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जहां तक प्रश्न है अभी विजयपुर का,
500% विजयपुर कांग्रेस जीतेगी। इंदौर में अगर राजेश का कहना है कि जो गरबा में जिनको जाना है उनको गौमूत्र हो गई, पुरानी बात है ये, लेकिन अगर ये न्यूसेंस सवालों का इस तरीके के भ्रमित करने वाले, माँ की आराधना का काम होता है प्रेम का, प्यार का, शक्ति का, समृद्धि का, हर घर में हर तरीके का आशीर्वाद मिले, इसीलिए माँ का ये पावन पर्व आता है, इसमें हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं, इसलिए कि देश समृद्ध बने, एकजुट रहे, भाईचारा बने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।